इस टाइम असा जामिया मस्जिद नाड़ ने बाहर मौजूद हाँ और इमाम जामिया मस्जिद नाड़ जनाब हज़रत अल्लामा यासर सुल्तानी की क्यादत जड़े इतने ने तालिबे इलम है वह बाहर आए रहे माशाल्लाह बच्चे ने बड़ा खूबसूरत अंदाज है और इमाम जामिया मस्जिद जनाब यासर सुल्तानी साहब इतना मौजूद है और बच्चे माशाल्लाह जश्न ईद मिलाद उन नबी ने झंडे पे हुए और अलामा साहब नाल मैं मुख्तसर गल कर सा कि आज ना एक अजीम दिन है इस दिन ने मौके पर तुसा क्या आखना चाहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब तो पहले इकबाल भाई तुसा की बहुत बहुत मुबारक हो खैर मुबारक तमाम अहले ईमान ने वास्ते आज एक बड़ी खुशी मुसर्रत और शादमानी दिन हुज़ूर नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत उम्मत मुसलमा के लिए अल्लाह की तरफ से ये एक अजीम तोहफा है। आप देख रहे हैं कि हर तरफ चहल पहल नज़र आ रही है, चेहरों पे मुस्कराहटें बिखरी हुई हैं, हर कोई खुश नज़र आ रहा है। उसकी एक ही वजह है कि हमारा ईमान ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तो आप जिस तरह देख रहे हैं पूरे नार बाज़ार में चहल पहल नज़र आ रही है, छोटे छोटे बच्चे ना लेने पाक अपने के नक्श अपने सीनों पे लगाए हुए हैं, मिलाशी के झंडे पे पकड़े हुए हैं। तो तहरीक लबैक आज़ाद कश्मीर के हमारे दोस्तों ने यहाँ एक सभी भी लगाई हुई है, दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद ही लम्हों के बाद फिर हमारा ये जुलूस अपनी मंजिल की तरफ दुआऊँगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, इमाम जामिया मस्जिद नाड़ से गल करी रहे माशाल्लाह बच्चे बड़े खूबसूरत अंदाज नाल जामिया मस्जिद में गेट जो बाहर आई रहे और माशाल्लाह इन्होंने बड़ा खूबसूरत अंदाज है और सारे तकड़े ने कि जश्न ईद मिलाद उन नबी ने और खुशियाँ मुबारक हों। जुलूस ही शिरकत करने लंगर और न्याज ने तमाम किया गया है। माशाल्लाह इतना चीज़ा पिया वा बढ़िया शरबत है और तैयार किया गया है। इतना मकसद और उसके बाद ये जारी जितने भी मिलाद ने प्रोग्राम में शिरकत कर सकते उन्होंने लोगों से जनाब इतनी में तमाम गवाह उसी उस तो बाद जनाबे वाला माशाल्लाह इतने काफ़ी रश है और बड़ी तादाद मौजूद है मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस है इस नाड़ बाज़ार उस तो बाद एक मरकजी जुलूस हो सी जरा पूरे बाज़ार में चक्कर ला सी उस तो बाद प्रोग्राम हो सी हूँ गवाह ने मनाजर से चर्चा करा सा माशाल्लाह इंतहाई दिल फरेब दिल काश और नसीम मनाजर से भाई रफी बस बात अगर ठीक है तमाम शोदाए खत्म नबूवत शोदाए नामों से रिसालत के अरवाह मुकद्दसा को पेश करते हैं कबूल फरमा। इस तरह हमारे दोस्तों ने मोहब्बत के साथ अकीदत के साथ नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इजहार मोहब्बत